दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं ग्लोबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन कहाँ है इन सपनों का सच? आज भी अगर हम हमारे देश के पिछड़े इलाकों में चले जाएं, इंटीरियर इलाकों में चले जाएं, तो आज भी वहाँ पर हजारों लाखों मौतें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की अज्ञानता के कारण हुई। आज भी वहाँ पर लोग इसी मान्यता को आत्मसात किए हुए हैं कि नीम हकीम खतराए जान। दोस्तों आज एक ऐसे ही किस्से से मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ। करोड़ी मल लोधी, उम्र करीबन 65 साल, 15 तारीख को ये मरीज अपने घर पे बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद में इसके परिवार वालों ने एक कप मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल यह उसको पिला दिया। इस प्रथा से एक मिट्टी का तेल पीने से बेहोशी दूर जाती है या फिर अगर कोई पैरालिसिस का अटैक हो तो पैरालिसिस ठीक हो जाता है। मिट्टी के तेल पीने के बाद यह मरीज की हालत और गंभीर हो गई और इतनी गंभीर हो गई कि इसे नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर भी इसकी हालत बहुत नाजुक होने लगी। तब यह मरीज नरसिंहपुर जिले से यह पेशेंट हमारे यहाँ नागपुर में शिफ्ट हुआ। जिस वक्त यह मरीज यहाँ पे पहुंचा उस वक्त इसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। मरीज कोमा की परिस्थिति में था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ब्लड प्रेशर एकदम कम हो गया था। पेशेंट को तुरंत लाइफलाइन सपोर्ट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां इत्यादि पे तुरंत लिया और उसके बाद में इसका इलाज शुरू किया गया। जांच के दौरान यह मालूम पड़ा कि इसकी ब्रेन की बहुत सारी नसें बुझ चुकी थी, फेफड़े काफी डैमेज हो चुके थे, ब्लड में काफी खराबी आ गई थी, प्लेटलेट काउंट वगैरह बहुत कम हो गए थे और पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पहुंच चुका था। करीबन 7 दिन के उपचार के दौरान यह पेशेंट थोड़ा ठीक होने लगा और ठीक होके आज वो मरीज अपने घर पर वापस जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम आज कहाँ हैं। हमारा मेडिकल साइंस किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, यहाँ तक कि बच्चेदानियों तक का ट्रांसप्लांट हम लोग यहाँ पे आज मेडिकल साइंस कर रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में अनेक ऐसी प्रथाएं हैं जिनको बंद करना अब हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम लोगों को सिर्फ समझाएं ही नहीं बल्कि उन्हें बताएं कि मरीज का मर्ज सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि विज्ञान के ज्ञान से होता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि हम लोगों के बीच जागरूकता ला सकें। धन्यवाद।